नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज हम फिट करने वाले हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का 1.5 टन जेपी 18 सीरीज। तो हमारे इंडोर आउटडोर ये सब रखे हैं, अब इनको हम ऊपर पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं, इनको फिट कैसे करते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पूरी। अब ये जो सब पाइप हमारे डक्ट से बाहर आए हुए हैं ना, इनको सब प्रॉपर इनमें टेप कर देते हैं, वो फिर यहाँ से इनमें पाइप और कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्या आउटडोर हमारे यहाँ आ रहे थे सब लाइन से, लेकिन अभी हम जो है यहाँ से निकल के होल कर दिया हमने, फिर हम बस इस वाली वॉल पे लगा देंगे पूरे आउटडोर। कुछ यहाँ आ जाएंगे, बाकी के कुछ ऊपर आ जाएंगे। अभी ये वाले पाइप करते हैं, फिर वो वाले पाइप और करना है, फिर उसके बाद हम आउटडोर स्टैंड वगैरह लगाएंगे, फिर वो करेंगे। जब हमें स्टैंड लगाना हो तो उसे कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हम भाई हमारे छेद होल हो गए हैं, तो इसमें अभी हमने फास्टनर डाल दिए हैं, अभी इसे ठोक रहे हैं। ठोकने के बाद ये जो फास्टनर है, इसका जो नट है, इसे ठोकने के बाद खोलते नहीं हैं, पहले इसे टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद एक दो पाने टाइट कर दो, फिर उसके बाद फिर उसे खोलते हैं, तब जाकर ये फिर प्रॉपर होता है। फिर ऐसे ही करके इसको स्टैंड को लगाना है। जो भी फास्टनर लगाएंगे स्टैंड के, हम वैसे ही लगाएंगे, पहले होल करके उसे अंदर, फास्टनर को अंदर करेंगे, फिर उसके बाद उसे टाइट करके फिर खोलेंगे, फिर स्टैंड लगा के टाइट कर देंगे, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी ऐसे ही करते हुए पूरे हम लगाएंगे वहाँ तक लास्ट। अभी 4-5 लगे हुए लाइन से पूरे ले लेते हैं आखिरी तक, फिर इसमें कॉपर पाइप बिछाएंगे और फिर आउटडोर लगाएंगे। हमारी सारी कॉपर पाइप आ गई हैं और स्टैंड भी लग गए हैं। अब देखो ये पूरा यहाँ से निकले हैं पाइप, कॉपर पाइप कुछ नीचे से लिए हैं, तो ये सब स्टैंड लाइन से बिल्कुल एक जैसे लग गए हैं वहाँ तक। और ये हमारी पूरी कॉपर पाइप और ये, अब ये कॉपर पाइप तो हो गई है कंप्लीट। अब इन दोनों पाइप जो मैंने डाली हैं, इन पाइप को मुझे फ्लैश करना है, फिर मैं इंडोर यूनिट को लगाऊंगा। क्योंकि जो मैंने ये पाइप डाला है, इसमें कहीं कहीं मैंने ब्रेजिंग भी करी हुई है, या डालते टाइम धूल चली गई होगी, तो वो सभी चीज़ें पहले हमें साफ करना पड़ेगा पूरे पाइप को, और फिर उसके बाद हम इंडोर यूनिट का काम करेंगे। तो सब में पहले तो NRB लगाएंगे, और फिर उसके बाद इसमें गैस डालेंगे और फ्लैश करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ फ्लैश कैसे करते हैं। बाकी आप NRB देख लीजिए, NRB क्या होती है। जैसे मैंने अभी इसमें NRB लगाई हुई है, ये NRB है, यहाँ से हम इस वाले पाइप में गैस डालेंगे, और गैस डालने के बाद नीचे फ्लैश करेंगे, जिससे जो भी कचरा होगा या ये जो ब्रेजिंग की है, ये काला कालापन इसका जो रहता है, वो सब निकल जाएगा बाहर। दोनों पाइप को क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद इंडोर यूनिट को लगाएंगे, जिससे कि हमारे इंडोर यूनिट में कोई भी कचरा वगैरह ना जाए। तो ऐसे NRB सेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ फ्लैश कैसे होगा। चलिए अब देखना आप भी। चलिए मैं आपको बताऊंगी इसे फ्लैश करने के लिए क्या है। ये वाला जो सिलेंडर है देख रहे हैं आप मेरा, इसमें नाइट्रोजन है, और इससे जो ये पाइप गया हुआ है, ये मीटर में गया है, वो मीटर का पाइप निकल के सीधा NRB में लगा हुआ है, हाफ के पाइप में। पहले हम हाफ के पाइप को फ्लैश करेंगे, फिर उसके बाद क्वार्टर के पाइप को करेंगे। तो चलो यहाँ से अभी इसमें प्रेशर छोड़ो, ये देखिए यहाँ पर प्रेशर जाने लगा, ये वो निकल गया। अब हम मैं जाता हूँ नीचे, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे गैस आएगी और उसे कैसे फ्लैश करते हैं। ये देखिए इसमें हमारा प्रेशर आने लगा, ये तो इसे क्या करना है, 3-4 बार इसे पहले तो अंगूठे से दबाना है, ऐसे दबा के रखना है, ये इसमें जो भी कार्बन है, जो ब्रेजिंग करी हमने उस टाइम पे आया, या धूल का है, तो ये क्लीन हो गया। अब इस वाले पाइप को भी मैं जो है ऐसे ही क्लीन कर लूँगा, क्वार्टर के पाइप को ऐसे ही दबाकर, तो इसके अंदर भी जो धूल वगैरह जो भी होगा वो सब बाहर आ जाएगा। तो ये फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग करने के बाद फिर इंडोर लगाएंगे, पहले फ्लैशिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा AC फिट हो गया है, कहीं से भी कोई पाइप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसकी वायरिंग। तो ये सेकंड नंबर, 2 नंबर जिसमें डला हुआ है, वो हमारा कमांड वाला तार है। कमांड यानी कि इंडोर यूनिट आउटडोर को कमांड देता है ऑन ऑफ होने के लिए। सेकंड वाला है N, ये हमारा न्यूट्रल है। L हमारा फेस है, ये हमारा अर्थिंग का तार है।
इसमें ये जो मैंने क्लैंप लगाया हुआ है ये लगाना ज़रूरी है। ऐसे वायर अलग से, इसमें ये जो नट देख रहे हैं ना आप, ये अर्थिंग के लिए दिया है, तो इसमें एक क्लैंप लगा के लगाएं, ऐसे नहीं लगाएं क्योंकि वो लूज़ रहता है। अब मैं आपको ऊपर की शक जो एयर शक की प्रॉब्लम थी मैं उसके लिए बताता हूँ। ये आप जो गैप देख रहे हैं ना, यहाँ से एसी हमारा जो है वो एयर खींचता है, तो इसमें जो है यहाँ से प्रॉपर इसको एयर खींचने के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए इसमें जो है हम गैप देते हैं 3 से 4 इंच का। तो ये हमारा प्रॉपर आ गया है, इसमें अब कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही हमारी एयर की आएगी, ना ही ड्रॉपेज की आएगी, क्योंकि पानी का पाइप का ढलान भी हमारा बहुत अच्छा था। ढलान बढ़िया जब हम पाइप डाल रहे हैं तभी हम प्रॉपर दें कि पानी हमारा इंडोर में बिल्कुल ना रुके। तो स्पेस इसमें जो है लेकर चलें आप, और अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पे एसी ना लगाएं, लोकेशन चेंज कर दें आप। चलिए मैं आगे और बताता हूँ आपको दूसरी प्रोसेस। अभी हमारे सब आउटडोर के कनेक्टिंग ये जो पाइप कनेक्ट लगाने थे वो सब पाइप लगा रहे हैं। अभी हम सब आउटडोर में कॉपर पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद कल इसमें नाइट्रोजन डालेंगे। सब कंप्लीट होते जा रहे हैं, लास्ट 2-3 बचे हैं, तो इनको सबको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद कल हम इसमें नाइट्रोजन होल्ड करेंगे 24 घंटे के लिए। तो वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। ये तो सिंपल ही यहाँ पे ये आला नट लग जाता है और एक ये फ्लेयर बन के यहाँ पर आ जाते कनेक्शन। अभी केबल के कनेक्शन भी होने, वो केबल के कनेक्शन पहले नाइट्रोजन होल्ड करते हैं फिर उसके बाद केबल के कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस और देखिए आप। अभी हमारे सभी पाइप कनेक्ट हो गए हैं आउटडोर में, ये जो कनेक्टिंग देख रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्ट हो गए हैं और इंडोर में भी कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस से होल्ड करेंगे इसमें प्रेशर, जिससे कि अगर हमारे पाइप में कहीं लीक है या हमने जो फ्लेयर बनाए हुए हैं इनमें अगर कहीं लीक है तो वो जो है हमें नाइट्रोजन से पता चल जाएगा, अगर प्रेशर कम होता है तो। और हम फॉर्म में झाग लगा के भी चेक करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि कहीं हमारे ये फ्लेयर में से नाइट्रोजन लीक तो नहीं कर रही है। तो अभी हम हर एसी में, पूरे एसी जितने भी हैं हमारे 22, उसमें सभी में हम नाइट्रोजन फिल करेंगे और फिर इसे 24 घंटे के लिए होल्ड करेंगे। तो 24 घंटे में अगर वो प्रेशर वही को वही मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर हम उसे चेक करेंगे कहाँ से निकल रहा है। चलिए मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे ये अलग यूनिट है मैं इसमें डाल रहा हूँ प्रेशर, इसमें हम प्रेशर डालते हैं। प्रेशर जाने लगा है धीरे 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 बढ़ रहा है। हम इसमें 200-250 प्रेशर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही हर यूनिट में प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालने के बाद फिर हम जो है इसे होल्ड कर देंगे 24 घंटे के लिए। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखना, पहले हम इसको प्रेशर डाल दें सभी में, फिर इसके बाद आपको बताएंगे सब किसी में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई है। हमारे पहले आउटडोर क्या है इसी जगह पर आ रहे थे, फिर हमने क्या आउटडोर को यहाँ से टेरिस पे से हटा के हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो पहले उस हिसाब से केबल निकली हुई थी, अब हम इसमें जॉइंट लगाना है। अब जॉइंट हम कैसे लगा रहे हैं, इसमें हीट स्लिप डाल रहे हैं यहाँ से। इस पहले तो हम इसको पूरा वो कर लेंगे, फिर हीट स्लिप डाल दी है हमने। अब हीट स्लिप डालने के बाद फिर क्या हम इसे गर्म करेंगे तो ये सेट हो जाएगी इसमें। ये सबसे बढ़िया होता है, इसमें क्या है कि जॉइंट ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो ये पूरा इसको ऐसे ही करेंगे, हर केबल में जॉइंट इसी तरीके से लगाएंगे जिससे हमारा काम प्रॉपर हो जाए, और इसके ऊपर टेप भी कर देंगे तो खराब वराब होने का या कार्बन आने का चांस नहीं रहेगा इसमें। वैसे ही हम पूरे जॉइंट भी कंप्लीट करते हैं और फिर वहाँ जाके कनेक्टिंग करवाएंगे हम आपको, वायर कौन सा कहाँ लगेगा कैसा। चलिए आगे देखिए अब इसमें। आप अभी ये कनेक्टर देखिए, कनेक्टर में जो इन पॉइंट बने हुए हैं इसमें भी हमें सप्लाई देनी है, ये जो आई हुई है हमारे सप्लाई के था। अब ये हम डायरेक्ट अगर इसमें वायर अकेला लगाएंगे, ऐसा सिंगल वायर जो होता है ये करेंगे तो ये लूज़ रहता है ये वाला वायर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे इसमें ये क्लिप लगाएंगे। ये मार्केट में अलग से मिलती हैं, तो इसके अंदर ये जाएगी ऐसे और फिर हम इसे जो है टाइट कर देंगे और फिर इसके बाद इसे लगाएंगे तो ये लूज़ नहीं रहेगा और कनेक्शन हमारा प्रॉपर रहेगा, तो यहाँ पे कोई स्पार्क वगैरह होने के कोई चांस नहीं रहेगा। तो हम ये हर वायर में, जहाँ भी हम इंडोर आउटडोर हर जगह पे ये कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे सप्लाई दे देंगे इसे।
तो इससे हमारा जो है फ्लक्चुएशन या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लूज वूज रह रहा है, तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी सारी मशीन की जो नाइट्रोजन डाल के हम चेक कर रहे थे, वो हमारी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी एसी में। हमने जो प्रेशर छोड़ा था वो प्रेशर प्रॉपर है। अभी ये देख रहे हैं, अब मैं वैक्यूम कर रहा हूँ इसे। ये वाला काटा जो है वो जीरो पे रहता है, और ये अभी माइनस जो है हमारा 30 इसमें अंदर आ गया है। तो हमें वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम इसलिए कि जो भी मॉइस्चर वगैरह है, नाइट्रोजन हमने जो डाली है, वो सभी चीज़ें निकाल देगा। फिर उसके बाद हम इसमें जो है गैस को रिलीज़ करेंगे। और अगर हम विदाउट वैक्यूम करें ही अगर इसमें गैस छोड़ दें, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, मॉइस्चर रहते हैं इस वजह से। तो हमें पहले नाइट्रोजन से चेक करना है कि हमारे कहीं कोई लीक तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें जो है इसमें वैक्यूम करना है 15 से 20 मिनट। हर एसी में ज़रूरत होती है, किसी भी एसी में, यानी कि जैसे गैस डाल रहे हैं तो भी ज़रूरत है, और नया एसी लगा रहे हैं तो भी ज़रूरत है। पेटी पैक भी आते हैं तो भी हमें उसमें वैक्यूम तो करना ही पड़ता है। 20 से 25 मिनट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरा 2 स्टेज का है, तो मैं इसे 15 मिनट ही कर रहा हूँ, प्रॉपर हो जाएगा। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हमें जब भी एसी लगाना हो तो हम वैक्यूम ज़रूर करें, फिर उसके बाद ही गैस को यहाँ से रिलीज़ करेंगे, तो प्रॉपर हमारा काम। फाइनली हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। एसी पूरे इंस्टॉल हो गए हैं प्रॉपर तरीके से, सभी की गैस वगैरह ये सभी चीज़ें आपने देखी ली हैं। अब मैं आपका इसका रिमोट का और बताता हूँ। ये हमारा 1 स्टार एसी था पहले, तो ये देख लीजिए। और इसका मॉडल नंबर है JP18 सीरीज़ है ये। तो इसका रिमोट ये है हमारा, ये हमारा ऑन ऑफ है, ये हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन करने के लिए है, ये हमारा मूड है, ये अभी हमारा कूल मूड पर है, ठीक है। और ये हमारी फ़ैन स्पीड के लिए है, फ़ैन स्पीड हमें क्या रखनी है, 1, 2, 3, 4, और फिर ऑटो पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा टाइमर ऑन ऑफ करने के लिए दोनों बटन है। ये हमारा इको मूड है, इको मूड में हमारे थोड़ा सा कम सेविंग करेगा तो उसके लिए है। ये हमारा अप एंड डाउन करने के लिए इसमें है, जैसे मैं ये करूँ, ये हमारा अप एंड डाउन होने लगेगा एयर थ्रो। और हाई पावर है, इस पे भी आप चला सकते हैं एसी को। इसमें आपका 15 मिनट तक बहुत यानी फास्ट कूलिंग करेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल मोड पे ही आ जाएगा। और इसमें ये वाला तो ये नहीं है, बाकी ये लॉन्ग एयर थ्रो के लिए ये है। अगर मैं इसे करूँगा तो इसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस इसका जो एयर थ्रो है वो और ज़्यादा दूर तक पहुँच जाएगा। ये हमारा टाइमर ऑन ऑफ करने जो टाइम के लिए है, तो बस इतना ही है इसमें। बाकी कूलिंग वगैरह बहुत प्रॉपर है इसकी। अब मैं आपको इंडोर टू आउटडोर जो हमने पाइप लगाया वो और बता देता हूँ। इंडोर से लेकर आउटडोर की जो लेंथ है हमारी, किसी एसी में हमारी 70 फिट है, 80 फिट है, 100 फिट है, तो 100 फिट तक भी हमारा जो दूर आउटडोर लगा हुआ है, इंडोर से आउटडोर की जो बीच का गैप है वो 100 फिट 100 फिट है, उसके बाद भी कूलिंग प्रॉपर है, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी किसी जगह अगर आती है तो थोड़ा सा आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं, गैस का टॉप अप करा दीजिए, प्रॉपर उसका गैस का लेवल हो जाएगा। बाकी आप इसे JP18 सीरीज़ जो ऐसी है, मित्सुबिशी का कोई भी ले लीजिए आप, बस 1.5 टन से छोटे नहीं, 1.5 टन से ऊपर का जो भी है उसे आप 80-100 फिट तक आराम से ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से लेके हमारी लेंथ आउटडोर अगर 100 फिट दूर भी है तो भी हमारा एसी प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप उस चीज़ को देखते हुए एसी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका यही है कि ये है। और दूसरी चीज़, 52 डिग्री पे काम करना है, बाहर का टेम्परेचर अगर आपका 52 डिग्री रहेगा तो भी आपका एसी ऑन रहेगा, ट्रिप नहीं करेगा। तो मित्सुबिशी में ये खासियत है, तो इसलिए सबसे बेस्ट है ये भी। चलिए अब मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आता हूँ, कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी आने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा काम है हमारा। धन्यवाद, जय श्री राम।